दोस्तों इस तरीके का स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम अगर आपके फोन में भी आ रहा है तो वो फोन का प्रॉब्लम है या चार्जर का, वो जानेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें सर्च करना है एम्पियर और उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे फोन में ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे फोन का मॉडल और बैटरी की इन्फॉर्मेशन है। बैटरी में करंट कितना पहुंच रहा है वो हमें देखना है। अभी बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से करंट नेगेटिव है। यहाँ पर एक एमआई का ओरिजिनल चार्जर, वन प्लस का चार्जर और एक ऑर्डिनरी केबल है। तो सबसे पहले एमआई के ओरिजिनल एडाप्टर में ऑर्डिनरी केबल डाल के करंट मेजर करते हैं। तो करंट बहुत कम है, चार्जिंग स्लो हो रही है। अब वन प्लस का ओरिजिनल चार्जर ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से करंट ज्यादा आ रहा है। अभी ये स्टेबल हो तो देखते हैं। तो ये स्टेबल हुआ है 1700 मिली एम्पियर पे। अभी मेरे फोन का ओरिजिनल फास्ट चार्जर ट्राई करते हैं। दोस्तों पहले केस में फुल चार्ज का टाइम होगा 4 से 5 घंटे, दूसरे केस में होगा 2.5 से 3 घंटे और ये केस में आप देख सकते हैं करंट कितना बढ़ चुका है। तो ओरिजिनल चार्जर से फोन चार्ज होगा सिर्फ 1.5-2 घंटे में। तो दोस्तों हमेशा फोन का ओरिजिनल चार्जर ही यूज करना चाहिए। दूसरी कंपनी का चार्जर भले ही फास्ट चार्जर हो पर ओरिजिनली फोन के साथ कंपेटेबल होगा।